नमस्कार, स्वागत है आपका महाकाल एक्सप्रेस में और मैं हूँ आपके साथ गौरव पांडे। और डालते हैं एक नज़र यूपी के जनपद भदोही की ओर, जहाँ पर बाग में रखे कबाड़ में लगी भीषण आग, हरा आम का पेड़ और नीम का पेड़ जला, जिसमें पालिका और फायर ब्रिगेड के घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू मिला। भदोही के गोपीगंज नगर के काली देवी प्राइमरी पाठशाला के बगल स्थित ज्ञानपुर रोड निवासी दुबे परिवार के बगीचे में एक कबाड़ी के रखे कबाड़ में रहस्यमयी परिस्थिति में आग लग गई और दो धोकर आग विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद आम का पेड़ और नीम का पेड़ भी जलने लगा, जिस पर निगाह पड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने वार्ड सभासद मोहित उमर समेत बाग के स्वामी और चौकी प्रभारी दयाशंकर ओझा को सूचना दी, जिन्होंने पालिका के टैंकर और दमकल कर्मियों को बुलवाया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बताते चले बाग के बगल ही स्थित कबाड़ का काम करने वाले नारायण साहू, जो कुछ माह पूर्व उक्त बाग के कुछ हिस्से के भाग को किराए पर लेकर कबाड़ रखते थे और पिछले 5-6 माह पूर्व कबाड़ में आग लगने के बाद बाग स्वामी ने बाग को खाली कर देने को बोल दिया था, लेकिन लापरवाह कबाड़ व्यापारी कंडम हो चुके कबाड़ को आजकल हटा लेने की बात को बोलकर समय व्यतीत करता रहा और मंगलवार को दोपहर अचानक कबाड़ में रहस्यमय परिस्थिति में आग लग गई और जब तक लोग यह निगाह पहुंचती ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जिसमें हरा आम का पेड़ और नीम का पेड़ भी चलने लगा। फायर ब्रिगेड वाल और नगर पालिका की टैंकर के पहुंचने के बाद उक्त आग पर काबू पाया जा सका। आइए देखते हैं भदोही के संवाददाता अनंत पांडे की खास रिपोर्ट।